का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को होगा मतदान। श्री करणपुर वही सीट है जहां से गुरमीत सिंह गुन्नर का देहांत हो गया था और वो सीट बाकी रह गई थी, इसीलिए 199 सीटों पर हुआ था इस बार विधानसभा चुनाव। लेकिन अब ऐलान किया जा चुका है 5 जनवरी को उस सीट पर होगा मतदान। बड़ी खबर इस बीच में आपको बता रहे हैं, श्री करणपुर सीट पर चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। बड़ी खबर, 8 जनवरी को मतदान होगा श्री करणपुर सीट पर, जो कि कांग्रेस के विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका देहांत हो गया था और इसीलिए 200 विधानसभा सीटों पर नहीं 199 विधानसभा सीटों पर हुआ चुनाव। और अब श्री करणपुर सीट पर चुनाव का ऐलान किया जाएगा, 5 जनवरी को मतदान होगा, 8 जनवरी को उसके 3 दिन बाद ही मतगणना होगी। तो एक सीट और बहुत अहम, अब इसमें भी देखना होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो नाम आ रहे थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत को इस सीट से उतारा जा सकता है, इस सीट से उतारा जा सकता है बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को, लेकिन अब देखना ही होगा कि बीजेपी किसको उतारती है, क्योंकि 19 दिसंबर तक आप अपने नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। 8 जनवरी को मतगणना होगी, 5 जनवरी को मतदान किया जाएगा श्री करणपुर सीट, जो एक सीट बाकी रह गई थी 200 सीटों में से विधानसभा के राजस्थान के, क्योंकि श्री करणपुर सीट से कांग्रेस के विधायक थे गुरमीत सिंह कुन्नर, जिनका देहांत हो गया था, एक सीट हो गई थी बाकी खाली। और अब 5 जनवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को मतगणना होगी। 19 दिसंबर तक आप अपने नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं, जो भी, और 22 दिसंबर तक कैंडिडेट अपने नाम को वापस ले सकते हैं। तो अभी समय है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अरबाज जुड़े हैं। अरबाज, श्री करणपुर सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान में 199 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव था, उसके बाद में अब चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराने के तुरंत बाद ही इस एक बची हुई सीट के ऊपर जो चुनाव कार्यक्रम है पूरी तरह से वो जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी पहले ये, लेकिन गुरमीत सिंह कुन्नर जो की कांग्रेस के विधायक थे, उनके अचानक निधन हो जाने के बाद में यहाँ पर चुनाव स्थगित किया गया था। यहाँ पर 5 जनवरी को मतदान किया जाएगा, 12 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन होगा, 19 तारीख यानी 19 दिसंबर जो है आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, के बाद में आप देखेंगे कि 20 दिसंबर को नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो की जाएगी, 22 दिसंबर तक जो लोग हैं अपने नाम वापस ले सकते हैं, 5 जनवरी को पोलिंग होगी और 8 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। एक ही सीट पर मतदान होना है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा वक्त और समय नहीं लगेगा। जो प्रदेश के नतीजे पहले से आ चुके हैं, तो चुनाव आयोग भी एक ही सीट पर जो है करानी बाकी थी इलेक्शन, सभी को इंतजार भी था, तो वक्त रहते उन्होंने बिना कोई देरी किए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। और जैसा माहौल है इसके हिसाब से जो चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश यही है कि जिस तरह से 199 सीटों पर पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान रहा, इसी तरह से आदर्श मतदान जो है एक बची हुई सीट पर भी कराया जाए। फिलहाल लोगों को इंतजार रहेगा कि जो स्कोर रहा 199 में से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, ये एक सीट परंपरागत रूप से गुरमीत कुन्नर की वजह से इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से उनकी तरफ जाती है, या फिर भाजपा इसे भी अपने खाते में डालती है। बिल्कुल, और किसके नाम इसमें आ रहे हैं, क्योंकि अरबाज ये था कि बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत को इस सीट पर उतारा जा सकता है, क्या कांग्रेस गुरमीत सिंह कुन्नर के किसी फैमिली मेंबर को उतार सकती है ताकि ये सीट फिर से कांग्रेस के खेमे में आए, सिंपैथी वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, मान सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस ने अभी जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे थे पहले रामेश्वर टूडी, उनकी तबीयत खराब होने के बाद में उनकी वाइफ को टिकट दिया था और उन्होंने जीत भी दर्ज की, तो गुरमीत सिंह कुन्नर के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा निश्चित तौर पर। और भाजपा इसमें अपने नेक्स्ट ऐसे सीएम फेस को मैदान में उतार सकती है जो अभी मैदान में नहीं थे। हाँ, इस खबर पर हमारे दिल्ली से संवाददाता सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को, श्री करणपुर सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया, जो बीकानेर संभाग की 24 सीटों पर चुनाव होने थे लेकिन ये सीट क्योंकि खाली रह गई थी 23 पर हुए संभाग पे चुनाव हुए, क्या जानकारी इस पे? और जी देखिए, सातौर से चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि कैंडिडेट की फिलहाल मौत के बाद उस समय जो निर्धारित चुनाव था उसको स्थगित कर दिया गया था, और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए कहीं ना कहीं जो श्री गुरचरण विधानसभा सीट है उस पर चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी गई है। 5 जनवरी को वहां पर जो पोलिंग है वो किया जाएगा, 8 जनवरी को वहां पर काउंटिंग की जाएगी, लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर तक फिलहाल जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है
वो फिलहाल उसका लास्ट डेट है। तो चुनाव आयोग राजस्थान में कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक बार फिर से तैयारी कर रहा है और इस बाबत एक बैठक भी हुई थी राज्य चुनाव आयोग के साथ, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। जी, इसका मतलब कि 12 तारीख को नॉमिनेशंस क्रिएट होंगे, फिर 19 तारीख को आप नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन लेने की भी तिथि 22 दिसंबर को बताई जा रही है। अच्छा, इसके पहले भी क्या सुशील, क्योंकि अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ है, इस बीच में कवायतें भी चल रही हैं, हलचले भी हो रही हैं, इतने जल्दी ये जल्दी माना जा रहा है या लेट माने इसको? नहीं देखिए, अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया की बात माने और मुख्यमंत्री के चेहरे की बात माने तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। चूंकि राजस्थान में बीजेपी को मैंडेट मिला है और जिस तरह राजस्थान में अभी वहां की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ऐसे में चुनाव आयोग चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि तय समय में चुनाव करवा लिए जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये भी देखना होगा कि कई ऐसी खबरें भी आई है कि कई ऐसे सांसद हैं जो फिलहाल अपनी सीटें छोड़कर उन्होंने विधानसभा चुनाव में शिरकत की थी, तो चुनाव आयोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब उन जगहों पर उपचुनाव करवाना है। तो चुनाव आयोग की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो अपने काम को करते हैं। चूंकि उस समय निर्धारित तय अवधि में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना ये उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए जो फिलहाल श्री गुजरण सीट जो खाली हुई है उसके तय समय में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, इसीलिए चुनाव आयोग इस दिशा में अभी अपनी प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज और सुशील इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो 5 जनवरी तक मतदान होगा, 8 जनवरी को होगी मतगणना। बड़ी खबर आपको श्रीकरणपुर सीट से बता रहे हैं, जो कि बीकानेर संभाग की एक सीट है और बहुत अहम है, क्योंकि ये कांग्रेस के खेमे में थी, यानी कि कांग्रेस के पास ये सीट थी। गुरमीत सिंह कुरनर जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन होने के बाद ये सीट हो गई थी खाली, इसीलिए इस बार 200 सीटों पर ना होकर विधानसभा चुनाव 199 सीट पे हुआ। लेकिन अब चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान भी कर दिया है, श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव का ऐलान कब होगा, 22 दिसंबर तक कैंडिडेट अपने नाम को वापस ले सकते हैं। और इस बीच में सीकर के फतेहपुर से भी बड़ी खबर आपको बताते चलें कि आरसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष कृष्ण निमावत के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं, कृष्ण निमावत के घर पर छापेमारी जारी। और आरसी से जुड़ा ये सबसे बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, आरसी से जुड़ा ये सबसे बड़ा मामला इस वक्त, क्योंकि पूर्व कोषाध्यक्ष घर पर ईडी की कार्रवाई अब जारी होगी, क्योंकि 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं उनके घर पर। और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको 5 मिनट में 25 खबरों से कराएंगे रूबरू। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।